बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे और मेरी ये दुआ भी है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा के लिए खुश रखे। और ये भी उम्मीद है कि आप जो स्टडी जो कर रहे होंगे, क्योंकि पिफा के एग्ज़ामिनेशन हो रहे हैं, तो आप दिल लगा कर पढ़ें ताकि आप पिफा में जो पेपर्स हैं वो अच्छे तरीके से उसको प्रिपेयर कर सकें। उम्मीद है कि आपकी तैयारी भी अच्छी जा रही होगी। तो मैं आज आपके लिए जो TA रूल्स हैं, उसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो मैं आपकी नज़र करता हूं। अगर आप पूरी बुक नहीं पढ़ सकते तो ये मेरे 4 क्वेश्चन हैं, ये आप लाजमी इनको टच कीजिएगा। और उम्मीद भी है कि इन 4 में से, इन 11 जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन हमेशा आता है और इस दफ़ा भी उम्मीद है कि इंशाल्लाह आएगा। आप लाजमी ये 11 क्वेश्चन जो हैं वो इनको स्टडी कीजिए। तो सिविल सर्विस जो हमारे रूल्स हैं उसका एक टॉपिक है, उसमें सब्जेक्ट है एक ट्रैवलिंग अलाउंसिस TA रूल्स 1981। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हम 3 सब्जेक्ट की कोचिंग कर रहे हैं, सिविल सर्विस रूल्स, मैनेजमेंट अकाउंटिंग और सेंट्रल पब्लिक वर्क्स अकाउंट्स। तो मेरा नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा जावेद है और मैं अकाउंटेंट हूँ लास्ट कोई 15 ईयर से। और मेरा जो चैनल URL है पिफा फ्री स्टडी के नाम पे है, आप इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि आप घर बैठ कर आसानी के साथ पिफा की तैयारी कर सकें। अगर आप सरकारी मुलाजम हैं और रूल्स को समझना चाह रहे हैं, पिफा आपके लिए मैंडेटरी नहीं है, तो फिर भी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इसमें प्रैक्टिकल और थ्योरी जो सिविल सर्विस रूल्स है वो कर रहे हैं। तो TA रूल्स के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उसमें से पहला क्वेश्चन जो है हमारा, एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ कंट्रोलिंग ऑफिसर्स, कि एक कंट्रोलिंग जो ऑफिसर्स होता है TA में, उसके क्या फंक्शंस होते हैं। ये आंसर है इसका जी सेक्शन 1.7 है हमारा TA रूल्स का। ये जो इंस्ट्रक्शंस या फंक्शंस होते हैं कंट्रोलिंग ऑफिसर्स के, ये मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ये जो इशू कंस्ट्रक्शन लिमिटिंग द एक्सटेंट ऑफ टूरिंग, कि ये अपने सब ऑर्डिनेट जो स्टाफ है या ऑफिसर्स हैं उनको हदायत जारी करता है कि वो अपने जो टूरिंग की एक्सटेंट है उनको लिमिट में रखें। और इसके अलावा जो इंस्ट्रक्शन हदायत जारी करता है वो यही है कि सिविल सर्वेंट जो अपने टूरिंग प्रोग्राम है वो रेगुलेट लाजमी करवाया करें। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, डिस्क्राइब द ड्यूटीज ऑफ कंट्रोलिंग ऑफिसर बिफोर साइनिंग और काउंटर साइनिंग ए TA बिल, कि एक जब बिल एक कंट्रोलिंग ऑफिसर्स के पास चला जाता है तो वो उसको साइन करने से पहले उसको क्या चीज़ें देखनी चाहिए, उसकी ड्यूटीज़ क्या है, उसकी क्या ड्यूटीज़ में शामिल है। तो ये सेक्शन हमारा 1.10 है, इसको आप TA रूल्स में देख सकते हैं। क्वेश्चन 3 हमारा, व्हाट आर द जर्नी पर्पस टाइप्स ऑफ आर विच TA ड्रान, कि जो TA ड्रान होता है उसका जो मकसद क्या है जर्नी का, उसकी किस्में क्या हैं, कौन कौन ये ड्रा करा सकता है। तो इसका ये आंसर है हमारा सेक्शन 1.12। क्वेश्चन 4 है हमारा, व्हाट आर द डिफरेंट मोड्स क्लासेस टाइप्स ऑफ जर्नी ट्रेवल बाय सिविल सर्वेंट, कि एक जो सिविल सर्वेंट है वो जब एक ट्रेवल करता है तो उसकी वो ट्रेवल्स की जो किस्में हैं या क्लासेस हैं या मोड्स हैं वो क्या हैं, जिस तरह से एयर है हमारी, बसेस हैं या कार है, पर्सनल कार है या मोटरसाइकिल है या ट्रेन है। तो ये हैं हमारी क्लासेस हैं, इसमें से ये आप देख सकते हैं सेक्शन 2.22 सेक्शन है हमारा TA रूल्स का। क्वेश्चन 5 है हमारा, एक्सप्लेन डेली अलाउंसेस डेफिनेशन प्रिंसिपल्स एंड करंट रेट्स ऑफ डेली अलाउंसेस, कि डेली अलाउंस क्या है, उसकी डेफिनेशन हमने लिखनी है, उसके प्रिंसिपल लिखने हैं और जो करंट रेट डेली अलाउंस के चल रहे हैं BS 1-22 वो पूछ रहा है कि वो करंट जो हैं वो क्या हैं। क्वेश्चन 6 हमारा, व्हाट आर द जनरल कंडीशंस ऑफ एडमिसिबिलिटी ऑफ TA फॉर जर्नी ऑन ट्रांसफ़र, कि ट्रांसफ़र के वक्त जो एक TA मिलता है जर्नी ऑन ट्रांसफ़र, उसकी जनरल कंडीशंस क्या हैं, उसका जी आंसर है जी सेक्शन हमारा 13 है TA रूल्स का, ये आप उसमें देख सकते हैं। क्वेश्चन 7 है हमारा, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ TA ऑन ट्रांसफ़र, जो TA ऑन ट्रांसफ़र के जो एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं, ये सेक्शन हमारा 3.4 है, इसको आप देख सकते हैं TA रूल्स में। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट आर द TA अलाउंसेस फॉर जर्नी ऑन, के TA अलाउंसेस क्या होगा जर्नी ऑन फर्स्ट अपॉइंटमेंट टू गवर्नमेंट सर्विस, ऑन रिटायरमेंट, एंड थर्ड है डिसमिसल और रिटायरमेंट
टर्मिनेशन ऑफ एन अपॉइंटमेंट, कि ये तीन जो हैं इसमें जो अलाउंसेज जो हैं जर्नी के, वो किस तरह से वसूल करेगा, कैसे करेगा, इसका जो आंसर है सेक्शन हमारा 4.1 to 4.5, आप इसको टीए रूल्स में देख सकते हैं। क्वेश्चन 9 है हमारा, इसको हमने एक्सप्लेन करना है, जर्नी ऑन ए कोर्स ऑफ ट्रेनिंग, कि जर्नी ऑन ए कोर्स ऑफ ट्रेनिंग एक्सप्लेन करें, जर्नी टू गिव एविडेंस इन ए कोर्ट, टू अटेंड एन इंक्वायरी और कॉन्फ्रेंस, इसका आंसर हमारा सेक्शन 4.7 है, इसको आप टीए रूल्स में देख सकते हैं। और क्वेश्चन हमारा 10 है, एक्सप्लेन द रूल्स टीए एंड हिल स्टेशन अलाउ टू ऑफिसर्स स्टाफ ऑफ गवर्नर सेक्रेटेरिएट इन समर सीजन, के समर सीजन में जो ऑफिसर्स हैं या स्टाफ्स हैं जो गवर्नर के सेक्रेटेरिएट के जो हिल स्टेशन पे होते हैं, खास तौर पे पहाड़ियों के ऊपर उन्होंने जाना पड़ता है, तो वो अपने टीए किस तरह से क्लेम करते हैं, उसका जो तरीकाकार है हमारा सेक्शन 6.1 में सारा लिखा हुआ है। क्वेश्चन 11 है, इन विच केस ए सिविल सर्वेंट मे ड्रान ऑफ एडवांस ऑफ पीए पे एंड टीए, कि वो ऐसा कौन सा कोर्स है जिस पे एक सिविल सर्वेंट है जो एक अपना एडवांस टीए या अपनी पे ले सकता है, कि जहाँ पे वो ट्रांसफ़र हो रहा है वो एक हिल स्टेशन है, वहाँ पे आप उसकी एक पे भी और टीए एडवांस वसूल कर सकते हैं अपने डिपार्टमेंट पे। उसमें ये सारा सेक्शन कंप्लीट लिखा हुआ है, आप सेक्शन 6.11 आप टीए रूल्स का देख सकते हैं, ये इसका आंसर है। तो ये हमारे 11 क्वेश्चंस मुकम्मल हो चुके हैं, ये आप 11 क्वेश्चन लाजमी एक दफ़ा देख लें, क्योंकि इनमें चांसेस हैं एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ये पिफा के एग्ज़ाम में इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन लाजमी आता है। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पिफा फ्री स्टडी के नाम पर मेरा चैनल है, आप इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट लेक्चर तक, नेक्स्ट टिप्स तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।